बोलो कहाँ थे, कितनी देर से फोन कर रही हूँ तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दिन में हजार काम होता है जिन्हें करना जरूरी होता, अब पूरे दिन बैठ के तुम्हारे फोन का इंतजार तो नहीं कर सकता ना। तो एक बार मैसेज कर देते, मैं बार बार फोन करके तुम्हें परेशान नहीं करती ना। आई एम सॉरी अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो तो, पर साकेत आज मुझे तुमसे मिलना है, प्लीज मुझसे मिलो। अरे कल ही तो आया था, आज क्या मिलना? हाँ बड़ी मेहरबानी, वही 20-25 मिनट के लिए ना, वो भी अगर मैं नहीं जबरदस्ती करती ना तो तुम तो 2 मिनट में निकलने की ताक में थे। साकेत प्लीज समझने की कोशिश करो, वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है, प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम प्लीज आ जाओ, मैं ये सब कुछ कैसे संभालूं अकेले। अगर तुम बिजी हो ना, तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ तुमसे मिलने के लिए। अरे तुम चाहती क्यों, अपना काम काज राजनीति छोड़ के तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहूं? किसने कहा था तुम्हें प्रेग्नेंट होने के लिए, हर रोज एक नई प्रॉब्लम लेके आ जाती हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो ये मेरी गलती है, सारा कसूर आपका है साकेत, उस वक्त तो बहुत मीठी मीठी बातें की थी आपने। साकेत ये होने वाला बच्चा जितना मेरा है ना उतना ही आपका भी है, और मैं कहाँ कह रही हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे संभालने के लिए आई है। पहली बार माँ बन रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है साकेत, मैं सिर्फ आपका साथ चाहती हूँ, प्लीज आज मुझसे मिल लीजिए। अनन्या देखो मैं समझ सकता हूँ तुम अकेली महसूस कर रही हो, लेकिन मुझे भी समझने की कोशिश करो। देखो कल का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार किया मैंने, ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ मैं। और तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें बच्चा रखना है तो रखो, मैं अबॉर्शन कराने के लिए भी नहीं कहूँगा, बस एक दिन दे दो। वो क्या है कि शाम को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, कल सुबह आके मिलता हूँ तुमसे, और फिर बाद में बैठ के बात करेंगे ना क्या करना है। लेकिन आज ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो आप नहीं मिल सकते? अरे अरे तुम्हें पता नहीं पार्टी में एक बात सीक्रेट रखी गई, वो क्या है कि हाई कमान के कुछ लीडर्स आ रहे हैं अपने एमपी के उम्मीदवार चुनने के लिए, तुम तो जानती हो कि मैं एमपी बनना चाहता हूँ, अब इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने दूँ? क्या है कि शाम को उनके साथ बैठूंगा और उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर हम लोग कल सुबह को मिलते हैं, लेकिन कल सुबह को पक्का। हाँ ठीक है मैं कल सुबह मिलता हूँ। ओके बाय। चलो इस वक्त तो बला टल गई, आज संगीत है, मेहंदी वाले दिन तो उस रवि ने बवाल मचा दिया था, मैं नहीं चाहता हूँ संगीत में ऐसी कोई गड़बड़ हो, इसीलिए अनन्या और रवि को इस जश्न से दूर रखना होगा, लेकिन इस अनन्या का जल्द से जल्द कुछ करना होगा, बहुत बड़ी मुसीबत बनती जा रही है मेरे लिए, जरा सी ऐश कर ली बच्चे की धमकी दे रही है मुझे, इससे पहले कि ये मेरे और देविका के बीच में मुसीबत बन के खड़ी हो जाए इसका कुछ करना होगा। अरे अच्छी दिख रही है, मतलब भाभी आखिर बीवी किसकी है भाई, चॉइस किसकी है? हाय क्यूटी, अरे मजा, कहाँ पे हो? अरे इनविटेशन की क्या जरूरत है यार, वो लाइट भी तो ऑन करवा। ओए ये क्या औरतों वाला कुर्ता पहना है तूने, वो क्यों नहीं पहना जो कल लाया था, वो शादी के लिए बचा के रखा हुआ ना। लो जी आ गए आओ जी, आओ जी, आया नो, नमस्ते जी, नमस्ते, बस जिंदे रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा तुम्हारा तो बहुत बिजी वक्त चल रहा होगा। विकास जी अब तो लड़के वाले भी आ गए, आपका काम खत्म नहीं हुआ अभी तक? जी बस वही काम चल रहा है, मैं देख रहा हूं। क्या चल रहा है, सुबह से देख रहा हूँ आपका, सुबह से आपका काम ही चल रहा है, इतना से काम इतना मक्कू नहीं लगता है। जी मैं माफी चाहता हूं। अटल ओ पुत्र तू भी किन काम चोरों से सिर खपाई कर रहा है, वैसे भी ना एक कारीगरों को मुंह लगाना नहीं चाहिए, कारीगर है दो हाथ दूर ही रख। जी मैम तो ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है इन लोगों से, आजा 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 तू इधर आ, देखे मेहमान आ गए हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं विकास, और ये खुसड़ बुढ़िया जान जान के मुझको सुना रही है। देख उसे कितनी गंदी नजर है इस आदमी की, कोई भी लड़की से लाइक नहीं करेगी, तुझे पता है देविका देवी इसे बिल्कुल लाइक नहीं। चुप कर साक्षी प्लीज यार,
प्लीज ये फंक्शन तो अच्छे से हो जाने दे। डोंट वरी सिस्टर डार्लिंग, तो देख इस फंक्शन की शुरुआत तो मैं बहुत अच्छे से करूंगी। बड़ी ढाई लग रही हो तुम। ती कितनी प्यारी लग रही है तू, किसी की नजर ना लगे। अच्छा सुन, रवि नहीं आया अब तक? तुझे पता है वो कब आ रहा है? अरे जीजू आप, वो क्या है ना, रवि अब तक आया नहीं इसलिए मैं पूछ रही थी। आपको पता है क्या वो कब आ रहा है? तुम बड़ी रवि रवि कर रही हो, तुम क्यों चाहती हो क्या है? अरे वो डेकोरेशन में कितना माहिर है और सगाई वाले दिन उसने कितनी मेहनत की थी, तो उसके बिना ये संगीत का फंक्शन बहुत अधूरा लग रहा है। और फिर रवि कितना अच्छा लड़का है ना, हमेशा हंसता हंसाता रहता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो झट से सॉल्व कर देता है, किसी का मूड खराब हो तो फट से ठीक कर देता है, सबका कितना ख्याल रखता है, इतनी सारी क्वालिटीज है उसपे, है ना? लगता है आप दोनों को ही नहीं पता कि वो कब आने वाला है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही उसे फोन कर लेती हूँ और उसे कह देती हूँ कि ये संगीत का फंक्शन उसके बिना बिल्कुल डर लग रहा है, तो वो फटाक से आ जाए, ठीक है? क्या बकवास करेगी तू? अगर दादी ने सुन लिया होता ना तो यही कहीं मर्डर था। अरे दादी मेरा मर्डर करेंगी, वो भी सबके सामने, नो चांस। इसीलिए तो बिंदास बोल दिया सब कुछ। चाहो ना तू, मुझे पता है कि तू उसे कितना हेट करते होंगे। वो जितना मुझे हेट करता है ना, मैं उसे डबल ट्रिपल उससे हेट करती हूँ। मेरा बस चले ना, पूरी जिंदगी भर उसकी शक्ल ना देख। अरे 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 शांत भीम शांत, चल। अरे माँ बताओ ना क्या किया आपने? ओ बहुत बड़ा काम किया है मैं। ओ सकेत के संगीत का जश्न है ना, उसमें तेरी निवेदिता को मैंने अपनी तरफ से नियुक्ता दे दिया और वो आने को भी राजी हो गई। लेकिन माँ आप ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या हो क्या गया आपको? क्यों इनवाइट किया, किस अक्षय इनवाइट किया आपने? अरे जिस फंक्शन में हम लोग इनवाइट नहीं है आपने सीरज को बुला लिया वहां पर। माँ क्या हो क्या गया, दिमाग में चल क्या रहा आपके? आग लगी पड़ी है मेरे दिलो दिमाग में, खून खौल रहा है मेरा। मेरे पुत्र पे इतना गलत इल्जाम लगाया उन्होंने, मेरा पुत्र मेरा गुरूर है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, कोई उसके बारे में कुछ बोले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे पुत्र तू हीरा है हीरा, इस घर की किस्मत तूने बदल देनी है, पर वो तेरे और देविका के बारे में ना अनाप शनाप बक रहे। सुन पुत्र, जिस तरह लोहा लोहे को काटता है ना, उसी तरह हमें एक लड़की की जरूरत है, ताकि हम दियोलों को साबित कर सके कि तेरे और देविका के बीच में कुछ भी नहीं है। और वो निवेदिता जब उनकी आंखों में चमकेगी ना, तो बिजली का झटका लग जाना है दियोलों को। क्या कहा आपने, दूसरी लड़की? माँ आप मेरी बॉस का इस्तेमाल करेंगी देविका के परिवार को नीचे दिखाने के लिए? हाँ मैं करूंगी इस्तेमाल, तूने बिल्कुल सही सुना है और सही समझा है। और सुन, ये मेरा फैसला है और अब इसे कोई बदल नहीं सकता, तू मेरे साथ संगीत में आएगा। माँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, माँ वो राह चलती हुई लड़की नहीं है, लूथरा कंपनी की मालकिन है, मेरी बॉस। अगर उसे इस बात के बारे में मालूम हुआ कि आप उसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो मालूम है क्या होगा? नहीं पुत्र, वो कुछ भी नहीं करेगी। वो पता है, वो तो बड़ी खुश होगी संगीत के नाम से। वो कहने लगी उसने बरसों से हिंदुस्तानी शादी नहीं अटेंड की है, तो वो जरूर आएगी। बड़ी खुश थी जी, बड़ी खुश। उसे सच में शादी देखने में इंटरेस्ट है। और पता है, जब उसे पता चला कि देविका का संगीत है, तो उसको तो पता है देविका उसके दफ्तर में काम करती है, तो उसने कहा जी मेरा तो खुद बड़ा मन है देविका से मिलने का, तो तू क्यों परेशान हो रहे हो? देखो मैं आपको जो करना है करो, लेकिन मुझे इन्वॉल्व मत करना, मुझे अपनी प्लानिंग से दूर रखना, क्योंकि अगर वहां पर कुछ गलत हुआ तो मैं आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। एक तो आपका प्लान पहले से गलत है माँ, और ऊपर से देविका के फंक्शन में मैं अड़चन नहीं चाहता। माँ अभी भी टाइम है, प्लीज अपने दिमाग से सारी बातें निकाल कर बाहर फेंक दो, क्योंकि मैं इस फंक्शन में नहीं आऊंगा, मतलब नहीं आऊंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ओ पुत्र सुन, वो जब वो इतनी लंबी गड्डी वाली लड़की, इतनी बड़ी कंपनी की मालिक हमारे साथ खड़ी होगी, तो दियोलो की गर्दन तो वैसे ही शर्म से झुक जानी है। ओ पुत्र उनकी हेकड़ी निकलते देखने में कितना मजा आएगा। तो सुन ओ पुत्र, रवि सुनता भी नहीं है, फिर तेनू यह भी पता चल जाएगा कि वो इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन मेरे पुत्र के बारे में क्या सोचती है।
पर अगर वो वही महसूस करती है जो मैं चाहती हूँ वो महसूस करे, तो फिर वो इतनी लंबी गड्डी और हर टाइम मेरे घर के बाहर खड़ी होगी। क्या पता मैंने सगाई में गिफ्ट ही कर दे, उनके पास तो 500 होंगी। अरे अरे अलादीन का चिराग लग गया मेरे हाथ, मैं मौका हद से नहीं जाने देना है। संगीत में रवि को निवेदिता के साथ होने चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। तेनू आना ही पड़ेगा पुत्र, तेनू संगीत में आना ही पड़ेगा।